सर्वा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना एंड आपके लिए लेकर आई हूँ मैं आपकी इस हफ्ते की वीकली टैरो करियर गाइडेंस। भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बड़े सारे लोग जो कि पसंद कर रहे हैं हमारे टैरो की रीडिंग को, साथ ही साथ बड़े सारे लोग जो मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि भाई अपनी तरफ से जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी और गाइडेंस मैं दे सकूँ, बाकी इट इज़ ऑल अ टूल ऑफ द यूनिवर्स जो कि मेरे थ्रू आपको गाइड करता है। मैं एक और चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जस्ट टेक द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, यही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है कि क्या मैं राशि अनुसार उनके लिए ये गाइडेंस जो है वो बता रही हूँ करियर के लिए। नहीं, राशि अनुसार नहीं है ये जो है। देखिए अगेन, आपके जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आपका हर एक का करियर जो है वो अलग है, हर एक की परेशानी जो है वो अलग है। किसी का बॉस उन्हें परेशान कर सकता है, किसी को अपनी पोजिशन पसंद नहीं है, किसी को दूसरे फील्ड में जाना है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको ना अब इस वीडियो में अपने लिए जो आंसर है वो ऐसे ढूंढना है। सबसे पहले तो अपना सवाल जो है वो सोचिए, एक सेकंड अपने सवाल पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उसके बाद ध्यान से सुनिए। मेरे पास यहाँ पर हैं आपके लिए तीन क्रिस्टल्स। सबसे पहला क्रिस्टल जो है मेरे पास, यह है ब्लैक टॉर्मलिन जो कि देता है नेगेटिविटी से सुरक्षा। जो दूसरा क्रिस्टल है मेरे पास, यह है क्लियर क्वार्ट्ज जो कि लाता है पॉजिटिविटी और क्लैरिटी ऑफ माइंड। और तीसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास, यह है रोज क्वार्ट्ज या क्लियर क्वार्ट्ज जो कि लाता है आपके लिए लव, क्रिएटिविटी और उससे रिलेटेड सक्सेस। तो ऐसे में अब इन तीनों ही क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल आपको पसंद आता है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, उसी से जुड़ी पायल बन जाती है आपकी रीडिंग। तो अगर आपको पसंद आता है क्रिस्टल नंबर 1 तो देखिए पाइल नंबर 1, क्रिस्टल नंबर 2 तो पाइल नंबर 2 और क्रिस्टल नंबर 3 तो पाइल नंबर 3। अभी के लिए हम शुरू कर रहे हैं आपकी वीकली चारों करियर गाइडेंस पाइल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टॉर्मलिन के साथ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टॉर्मलिन तो ये है आपकी वीकली टैरो करियर गाइडेंस। और सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि दोस्त, अगर आप अपनी तरफ से कोई एक अथॉरिटी वाली फिगर जो है, मतलब अथॉरिटी वाली पोजीशन, उसको ढूंढ रहे थे या वैसा कुछ बनना चाहते थे, किसी मैनेजरियल पोजीशन की तरफ जाना चाहते थे, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। मगर उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा उपाय जो है वो भी ज़रूर बता देती हूँ कि भाई सूर्य जो है उनकी उपासना ज़रूर कीजिए। एक चीज़ छोटी सी आप अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, जहाँ पर आप सुबह सूर्योदय यानी कि सनराइज़ के एक घंटे के अंदर अंदर नहा कर, और अगर संडे को कर सकते हैं तो इवन बेटर, और ना आप अपनी तरफ से एक लोटा जो है पानी, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालकर, और ये जल जो है ये सूर्य भगवान को चढ़ाइए, उन्हें अर्पण कीजिए। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है इस पूरी चीज़ में कि सूर्योदय के एक घंटे के अंदर अंदर हमें ये जल जो है वो देना होता है सूर्य को। दिन में 12 बजे देने से वो सेम फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको ये रेमेडी जो है वो क्यों दी है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, आपका पिछला जो जगह थी, आपकी पिछली जो भी पोजिशन थी या पिछला जो भी काम था, उसके अंदर आपकी जो लर्निंग है वो हो चुकी है। 9 इज़ ऑल्सो द नंबर फॉर फिनिशिंग, इट इज़ ऑल्सो द नंबर जहाँ पर आप जो है कमांडर इन चीफ वाला जो एक पोजिशन है वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। मगर अब आपकी जिम्मेदारियां जो हैं वो भी बढ़ेंगी और आपके लिए एक बेहतर पोजिशन जो है वो भी आने वाली है। मेजरली मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे तो आपके लिए जॉब चेंज का मौका जो है वो भी आएगा। मगर ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार मुझे तो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं आती हैं। एक टर्म होती है इम्पोस्टर सिंड्रोम, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा, आपको लगेगा कि यार मेरे आसपास के लोग ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, मेरे आसपास की चीज़ें मतलब यू नो मेरे से ज़्यादा बेहतर हैं, क्या मैं यहाँ पर इस पोजीशन को, इस काम को जस्टिफाई कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। डोंट वरी, यू विल बी एबल टू डू इट, मगर उसके लिए आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपने अंदर जो है वो भी लानी होगी। हर जगह सिर्फ सोल्यूशन बेस्ड रहने से काम नहीं चलता, कई बार आपको अपना जो रिजल्ट है ना, हाँ आपका जो एंड पॉइंट है वो तो आपको सेम रखना होता है, बट एट द सेम टाइम जिस पाथ से आप उस एंड पॉइंट तक जाते हैं उसको फ्लेक्सिबल बनाइए, आपको बेहतर मदद मिलेगी। थोड़ा सा हाँ, फ्यूचर में आप स्टक अगर फील करें भी तो भी चिंता मत कीजिएगा, आपको मदद जो है वो ज़रूर मिलेगी। बट अकेले कोई काम जो है उसको करने की कोशिश मत कीजिएगा, टीम वर्क में अगर आप काम करेंगे तो आपको आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग, नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए और लिखिए पाइल नंबर 1। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 2 यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज तो ये है आपकी इस हफ्ते की वीकली टैरो करियर गाइडेंस। और आपका करियर गाइडेंस जो है, सबसे पहले तो मुझे यही बता रहे हैं कि भाई जो भी काम आप करते हैं वो बहुत ही पैशनेटली कर रहे हैं, बहुत ही प्यार से कर रहे हैं, और आई लाइक द फैक्ट कि ऐसे बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक हैं आप अपने काम को लेकर। मगर एक और चीज़ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही अपना आपका काम जो है वो कर सकते हैं, ये सही नहीं है। आपका काम आपके जैसा और कोई नहीं कर सकता, आई एग्री, बट ऐसा नहीं कि वो काम हो नहीं सकता है। तो दोस्त थोड़ा सा ना अब
एक्टिव गियर पे आ जाइए। आपको जरूरी है कि आप अगर फर्स्ट गियर में थे तो थर्ड गियर तक थोड़ा सा धक्का लगाएं खुद को, बिकॉज इट इज टाइम कि आप अपने जो काम है और आपका जो भी टैलेंट है, स्किल है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करें। सो दिस इज योर पास्ट कार्ड विच क्लियरली शोज कि आपने अपने पास्ट में बड़ी सारी मेहनत जो है वो करी है, अपने लिए आपने खुद के गोल्स बनाए हैं। एज अ सिंगल पर्सन यू वर्क वेरी वेरी वेल विच इज एब्सोल्यूटली नाइस, बट अब वो टाइम आ गया है कि जब आपको अपने टैलेंट को, अपने स्किल को और नर्चर करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है कि इस समय आप थोड़ा सा ज्ञान जो है वो जरूर लें। मैं ये नहीं कहती कि कोई पर्टिकुलर कोर्स ही आपको करना चाहिए या फिर टेक अ हायटस एंड जस्ट गो फॉर स्टडीज, नहीं। अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बड़े सारे फ्री कोर्सेज आते हैं, उनमें से कुछ एक जो है आप करना शुरू कीजिए विच कैन हेल्प यू इन योर वर्क। या फिर आप एक और काम जो है वो भी कर सकते हैं जहाँ पर आप अपने लिए जस्ट वॉच सम ब्लॉग्स, वॉच सम टेड टॉक्स, वट एवर यू फील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ऐसी चीज़ों को आप प्लीज़ सुनिए, कुछ ब्लॉग्स को पढ़िए जो कि हर दिन आपका जो काम है, आपका जो स्किल है, उसको और बेहतर बनाते हैं, क्योंकि तभी आपके लिए एक बहुत बड़ी पोजीशन जो है वो खुलेगी। अब ये पोजीशन जो है ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स वेरी नियर इन द फ्यूचर, बट यू हैव टू इंश्योर कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं। आपके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ का बेस जो है उसको बनाने का आपको मौका मिलेगा। इट कैन वेरी, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आपके लिए कोई एक फाउंडिंग मेंबर का काम जो है वो शायद आ जाए, और उसके लिए ना आपको अपने स्किल्स और अपने इंटरपर्सनल स्किल्स खासकर उसमें आपको और भी बेहतर होना होगा। क्योंकि देखिए, अ गुड मैनेजर इज़ नॉट जस्ट समवन जो कि ऑर्डर्स जो है उनको देना जाता है, एक गुड मैनेजर वो भी होता है जो कि ऑर्डर्स को ऊपर से लेना भी जाने, राइट, और उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करे। उसके लिए आपके स्किल्स का थोड़ा अपग्रेड होना जरूरी है। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए 2 ताकि मुझे पता रहे कि आपने इस पाइल को देखा। फिलहाल के लिए चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। अगर आपने चुना था क्रिस्टल नंबर 3 यानी कि रोज क्वार्ट्ज या पिंक क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग। और इस रीडिंग में सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि भाई आपके लिए सबसे पहले तो जितनी भी कार्ड्स आ रहे हैं, दे आर ऑल वेरी हाई एनर्जी कार्ड्स जी। जहाँ पर भी आप हैं, जिस भी सोच के साथ आप हैं भाई, बहुत सारी अथॉरिटी के साथ साथ बहुत सारी क्रिएटिविटी दोनों ही मुझे दिख रहा है। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु हैज़ देयर ओन इंडिविजुअल वर्क, आप अपनी ही कोई फर्म चलाते हैं, आप अपना कोई स्मॉल बिजनेस करते हैं, अपनी ही चीज़ें खुद करते हैं, देन कंग्रेचुलेशंस बिकॉज यू आर गेटिंग सम वेरी वेरी हाई एनर्जी। आपके लिए ऊपर से बड़ी सारी अच्छी चीज़ें जो है वो आने वाली हैं। इनफैक्ट यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने अपना जो काम जब भी शुरू करा होगा, अगर नहीं करा है तो आई एम श्योर आप उस एक फील्ड में, उस एक एरिया में है जहाँ पर आप काम जो इसको शुरू करना चाहते हैं। मैं एक चीज़ तो आपको बहुत ही क्लियरली बताऊंगी कि भाई आपकी क्रिएटिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और आपका जो आइडिया है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। और अब परेशानी जो है वो मेजरली इसी चीज़ में आ रही है कि आपको लग रहा है कि यार क्या पता फंड्स या फिर जिसे कहते हैं ना फेथ जो है मेरे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मिले ना मिले। बट आई टेल यू व्हाट, ये सोच आपको रखनी ही नहीं है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जैसे आपका काम है, ऑफ कोर्स यू विल गेट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, क्योंकि आप में एक शक्ति है जिससे कि शक्ति है लाइक आई वुड लाइक जिससे कि आप में मैनिफेस्टेशन के पावर्स बहुत अच्छे हैं, जिससे कि आप अपने आने वाले फ्यूचर को खुद भी अफेक्ट कर सकते हैं, आपके आसपास के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको भी आप अफेक्ट कर सकते हैं। तो नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो यूनिवर्स ना इट जस्ट टेक्स ऑर्डर्स, इट इज़ नॉट रियलाइज वेदर यू आर सेइंग येस और नो, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप डर को बड़ा बनाएंगे तो यूनिवर्स उसी डर को फीड करेगा, मगर आप अगर अपनी पॉजिटिविटी को बड़ा बनाएंगे तो उसके लिए आपको मदद जो है वो ज़रूर मिलेगी। सो डोंट वरी, ऑल द एलिमेंट्स विल कम टुगेदर टू हेल्प यू आउट, मगर उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने दिल और अपने दिमाग को पॉजिटिव बनाना होगा। यू विल गेट वेरी गुड हेल्प, यू विल गेट ग्रेट, स्पेशली अगर पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर अगर आपको परेशानी है, यू विल गेट ग्रेट हेल्प। आपके लिए इंटरवेंशन जो है वो भी किए जाएंगे, बिकॉज एक और चीज़ ये भी है कि जो आप करना चाहते हैं ये आपकी डेस्टिनी भी है, ठीक है। तो ऐसे में परेशान ज़्यादा बिल्कुल मत होइएगा, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। एंड फाइनेंस के लिए भी अगेन मैं वही कहूँगी आपको, थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन जो है वो करना शुरू कीजिए, इट रियली रियली हेल्प्स यू। अगर आपने चुना था पाइल नंबर 3, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए मुझे 3, सो दैट आई नो कि आपने पाइल देखा। इसके साथ ही ऐसी ही और वीडियोज़ और ऐसी और गाइडेंस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।